नमस्ते, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फूड हेल्थ एंड ब्यूटी में। आज हम बनाने वाले हैं साउथ इंडियन प्रॉन करी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साइड में दिए गए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं प्रॉन्स, इसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, प्रॉन की क्वांटिटी के हिसाब से हल्दी डाल दें उसमें। अब इसमें डाल देंगे नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर दें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार, हल्दी और नमक को हमें अच्छे से लगा लेना है प्रॉन्स में। अब हम इसे फ्राई करेंगे, हल्का सा सैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आप टिपिकल साउथ इंडियन करी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल के बजाय आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल आप नहीं कीजिएगा। तो प्रॉन को हमें हल्का सा फ्राई करना है, दोनों साइड से हल्का हल्का कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा इसको करारा फ्राई नहीं करना है, इससे जो होता है प्रॉन हमारा काफ़ी चिवी हो जाता है, रबर की तरह हो जाता है। इस तरह से पलट के दोनों साइड से आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा वक्त नहीं लगता है प्रॉन को फ्राई होने में, और हमें ज़्यादा देर के लिए इसे फ्राई भी नहीं करना है। प्रॉन हमारे अच्छे से भी फ्राई हो चुके हैं, हल्का हल्का दोनों साइड से कलर चेंज हो चुके हैं। अगर इस तरह से फ्राई करते हैं तो प्रॉन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी रहता है। अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा तेल अभी भी कढ़ाई में बाकी है। मैं इसी तेल में ही आगे इसकी ग्रेवी बना लूँगी। अब इसको हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे जीरा। यहाँ पे मैं साबुत जीरा आधी चम्मच ऐड कर रही हूँ। जीरा हल्का सा चटक जाए उसके बाद डाल देंगे इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता और जीरा को हल्का सा करारा होने देंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने दो प्याज को चॉप करके डाल दिए हैं। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेवी बनानी है। अगर प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन कर देंगे, एकदम करारा फ्राई कर लेंगे, तो ये अच्छे से एक थिक ग्रेवी नहीं बन पाएगा। तो प्याज हमारा सॉफ्ट होने के लिए यहाँ पे हम ऐड कर देंगे नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दें। प्याज हमारा हल्का गोल्डन हो चुका है, इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। यहाँ पे मैंने दो चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट इस्तेमाल किए हैं। इसको अच्छे से भुनेंगे जब तक हमारा अदरक लहसुन का कच्चापन नहीं चला जाता। अच्छी तरह से हमारा जो मसाला है भुन चुका है। अब हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर एक चम्मच, इसमें हम ऐड कर देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर, और फाइनली इसमें डालेंगे आधी चम्मच रेड चिली पाउडर जो कि तीखी वाली है। आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मसाला अच्छे से भुन जाए और तेल छोड़ने लगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच इमली का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे एक टमाटर रफली चॉप करके। इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। इसके लिए हम इसे मिक्स करेंगे एक बार अच्छे से। उसके बाद इसका ढक्कन लगाएंगे और धीमे आंच पे इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे 2 मिनट के बाद आप चेक करके देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसको अच्छे से मैश भी कर लेंगे हम, बिल्कुल थिक पेस्ट सा बन चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे ताकि एक थिक ग्रेवी बन जाए। पानी ऐड करने के बाद हम इसे कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि एक थिक पेस्ट जैसा ग्रेवी बन जाए। हमारा ग्रेवी तैयार है। इसमें हम ऐड कर देंगे कोकोनट मिल्क। यहाँ पे मैंने ताजी नारियल को काट के मिक्सी में डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको चला लिया था, और उसके बाद छान के मैंने ये मिल्क निकाल लिए हैं। आप चाहे तो इस तरह से ताजी कोकोनट मिल्क निकाल सकते हैं या फिर रेडीमेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम उबाल आने देंगे, अच्छी तरह से एक बार उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी और पानी, जितना हमें ग्रेवी बनानी हो उस हिसाब से। अब इसे ढक के इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुकी है। अच्छे से बॉईल आने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ प्रॉन्स जो हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखे थे। सारे प्रॉन्स डालने के बाद अच्छे से एक बार इसको मिक्स करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसको ढक्कन ढक के फिर से 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे ताकि जो प्रॉन्स है उसके अंदर तक मसाले चले जाएं। तो 3 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। हमारी प्रॉन करी बनके तैयार है। हल्का सा क्रीमी और हल्का सा टैंगी टेस्ट होता है इस ग्रेवी का, बहुत ही टेस्टी होता है। आप चाहें तो इस टेस्ट पे भी यहाँ पे हरी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना हो।
हमारी प्रॉन करी बनके तैयार है। जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए। नमस्कार।